Assalamu alaikum students, today is 15 of the December and the topic which we have to discuss during today's lecture that is the nucleus. अच्छा अब nucleus जो है उसको हम कहते हैं कि nucleus जैसे मैं देखा था कि plant cell में भी आपको नज़र आ रहा था और animal cell में भी आपको नज़र आ रहा था. तो presence of cell nucleus was reported in 1831 by Robert Brown. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस के होने को डिस्कवर किया था. इससे पहले एक कॉन्सेप्ट यही था कि न्यूक्लियस सेल जो है वो अंदर से खाली है. अच्छा उसके बाद इट्स अर्ली डिस्कवरी वाज अनडाउटली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन द इन मैनी सेल्स वेयर इट स्टैंड आउट एज स्लाइटली डार्कर दैन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. कि इसकी जो शुरू में इसकी डिस्कवरी थी या दरियाफ्त जो थी वो उसको बहुत जल्दी मान लिया गया था या उसके ऊपर शक शुबा इसलिए नहीं किया गया था कि न्यूक्लियस जहाँ पर प्रेजेंट होता है उस सेल को अगर स्टेन किया जाए उसको कलर किया जाए तो जिस जगह पर न्यूक्लियस होता है उस जगह का रंग जो है वो ज़रा ज़्यादा गहरा होता है. अच्छा उसके बाद न्यूक्लियस का काम क्या है. इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. कि सेल की ज़िंदगी और सेल के अंदर होने वाले जितने प्रोसेस हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. इन द एनिमल सेल इट जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस वेयर एज इन द केस ऑफ द प्लांट सेल इट इज़ पुश्ड टूवर्ड्स द पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल. कि अब जो प्लांट सेल है उसके अंदर तो जो है वो आपको न्यूक्लियस सेंटर में नज़र आता है लेकिन एनिमल सेल में ये जो है वो एनिमल सेल के अंदर आपको सेंटर में नज़र आएगा और प्लांट सेल के अंदर जो है वो आपको एक साइड पे लगा हुआ नज़र आता है. उसकी रीज़न ये होती है कि दरमियान में जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर. न्यूक्लियस मे बी इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप. अगर हम इसकी शेप को देखें तो ये रेगुलर इरेगुलर शेप का भी हो सकता है और राउंड इन शेप भी हो सकता है. जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस एंड द सेल्स अगर जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है वो मोनो न्यूक्लिएट कहलाते हैं. ऑन द अदर हैंड द सेल्स विथ टू न्यूक्लियाई उनको हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं. मल्टीपल और द मोर देन टू न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स. इनको मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहा जाता है. अच्छा उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो सब उस वक्त विजिबल होता है जब सेल जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है. यानी सेल ने अभी डिवाइड नहीं करना. जब सेल जो है वो इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क. और सॉलेबल सैप जो होता है वो न्यूक्लियो प्लाज्म कहलाता है. ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें ये थोड़ा सा आपको इससे क्लियर होगा कि ये जो है आपको नज़र आ रहा है इसमें कि ये जो ब्लू पार्ट है इसका ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम न्यूक्लियो पोर्स कहते हैं. उसके बाद इन न्यूक्लियो पोर्स के अंदर जो है वो आपको जो सुराख है उनके थ्रू मटेरियल बाहर आता है और जाता है. और इसमें आपको ये जो ब्लू कलर का मटेरियल सारा नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क. ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ये तब होता है जब सेल ने अभी डिवाइड नहीं करना. जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क ये जो धागे धागे से नज़र आ रहे होते हैं ये क्रोमोसोम की फॉर्म में चले जाते हैं. और ये जो आपको इसका सारा स्ट्रक्चर जैसे हम सेल के अंदर कहते हैं ना कि साइटोप्लाज्म होता है इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा दैट विल बी नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. राइट तो अब इसमें हमारे पास जो डिवाइडिंग सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द क्रोमोसोम. अच्छा उसके बाद हमारे पास इसमें द हेरिडिटी मटेरियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. के सेल के अंदर जितनी भी काम हो रहे होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अच्छा देन उसके बाद डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस. अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए तो क्रोमोसोम्स के अंदर नज़र आता है हमें एंड प्रोटीन्स और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अच्छा उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोलाई होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमोसोम होता है. ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अगर हम हिस्से देखें कि कौन कौन से हिस्से होते हैं तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस है क्रोमोसोम्स हैं. अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. अच्छा अब इसमें आपके पास आ गया है सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जैसे ये आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है बाहर.
ठीक है, दैट मेम्ब्रेन इज नॉन एज द न्यूक्लियर एनवेलप भी कह देते हैं हम इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये सेपरेट कर देती है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म से। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप, ये इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, और ये कंपोज होता है दो मेम्ब्रेन से, यानी ये डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। द आउटर मेम्ब्रेन इज एट प्लेसेस कंटीन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट। अब जो बाहर वाली लेयर होती है या जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उस वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो जो न्यूक्लियर कॉन्टेंट है या जो न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल प्रेजेंट है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन्स हैं ये कंटिन्यूस होते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स, द न्यूक्लियर पोर्स। अब इसमें आपको जगह जगह थोड़े छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स का नाम दिया जाता है, और ये करते क्या है न्यूक्लियर पोर्स, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो चीज़ों का एक्सचेंज होना होता है उसके लिए एक पैसेज है या एक रास्ता है। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर इन इज हाईली वेरिएबल इन द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल सच एज एक्स हैव न्यूमरस पोर्स अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस। कि जो सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं ना, यानी जिनका नहीं पता होता कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर न्यूक्लियर पोर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे सेल्स के जो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं जिनका पता होता है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टर्म है जो हम रेड ब्लड सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सिर्फ ये 3 से 4 पोर्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, लेकिन जो बाकी सेल्स हैं जैसे एग की इन्होंने एग्जाम्पल दी तो उसमें एक न्यूक्लियस में 30,000 तक भी न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर पोर कितने होंगे ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है। ईच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर विच कंट्रोल्स अ ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस पासिंग थ्रू इट। अच्छा, अब हर एक का स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियर पोर का वो स्पेसिफिक होता है जिसके ज़रिए वो चीज़ों का आना और जाना कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है अगर आप गौर करें इस डायग्राम में तो ये जो आपको बीच में डार्कर ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद द विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। देयर मे बी वन और टू न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक या दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं। द राइबोसोमल RNA और RRNA जो है वो सिंथेसाइज होता है और स्टोर्ड होता है इन द न्यूक्लियोलस। इट इज़ कम्पोज ऑफ टू रीजन्स, द पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया कम्पोज ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड द सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया कंसिस्ट ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड RDNA। यानी इसको अगर आप देखें तो इसमें आपको दो पार्ट्स नज़र आते हैं, एक जो होता है वो इसका किनारे वाला एरिया होता है जो ग्रेन्यूलर होता है, और दूसरा जो होता है वो इसका सेंटर वाला एरिया होता है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ यहाँ पर तो आपको शायद ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ये देखें, अब हम इसको कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है इसका जो पेरिफेरल एरिया है वो ग्रेन्यूलर है, ठीक है, यानी इस तरह से दानेदार सा नज़र आता है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है वो इस तरह थ्रेड्स की फॉर्म में, राइट। अब ये जो ग्रेन्यूलर एरिया आपको नज़र आ रहा है वो उसकी पेरिफेरी पे नज़र आ रहा है, और जो RRNA जो होता है वो सिंथेसाइज होता है इन द न्यूक्लियोलस, और ये जो रीजन है पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया इज कंपोज ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स, और जो सेंट्रल एरिया होता है जो फाइब्रिलर एरिया होता है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वेट के RNA और RDNA होते हैं, और ये जो होता है ये न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में जहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। उसके बाद आप आ जाएं ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अब मैं आपको बता दूँ कि क्रोमोसोम जो होता है उसका नंबर फिक्स होता है किसी भी एक स्पीशीज़ के अंदर, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये जो राउंडेड पार्ट है इसके सेंटर का, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है उसमें फिर दो आपको इधर और दो इधर नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रोमैटिड्स। अब अगर हम इसको देखें तो इन एक्चुअल क्रोमोसोम जो होता है उसमें ये सेंट्रोमियर और ये क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में जब उसने डिवाइड करना है ना सेल ने तो फिर वो एक और क्रोमैटिड जो है वो बना लेता है, ठीक है, फिर ये इस शक्ल में आ जाता है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो है ये इस फॉर्म में होता है पहले,
अच्छा जी, देन न्यूक्लियस इज ऑफनली जो है वो इसमें बेसिक डाइज आ जाते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर अच्छा फिर अब अगर हम देखें कि क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ किस चीज़ का है, तो क्रोमोसोम इज कम्पोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स। जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जो एक नस्ल से अगली नस्ल में जाती हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब जितने भी आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आएगा ना किसी एक स्पीशीज के अंदर, किसी एक टाइप के अंदर, वो कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं उन सब के जितने भी बॉडी सेल्स होंगे नॉर्मल लोगों के, उसमें 46 ही होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेम एज अगर हम फ्रॉग सेल की बात करें तो उसमें 26 होते हैं, चिंपैंजी को देखें तो उसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं, और 8 क्रोमोसोम जो हैं वो हमें नज़र आते हैं फ्रूट फ्लाई में, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर कहते हैं, जो फलों पे जो आपको मक्खी नज़र आती है। दैन 16 क्रोमोसोम जो हैं वो हमें नज़र आते हैं अनियन प्याज के अंदर, 48 जो है वो पोटैटो के अंदर होते हैं, और 14 जो होते हैं वो गार्डन पी या मटर के अंदर होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द क्रोमोस इन द नॉर्मल बॉडी सेल इन द डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, यानी जिसके अंदर डबल नंबर है क्रोमोसोम का, वेयर एज हप्लाइड या हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम इन द प्रोसेस ऑफ इन द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स यानी फीमेल के अंदर एग बनता है।